राम राम जी। तो यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है, खाना खाने के लिए हम ज़रूर जाते हैं यहाँ से। मैं चटनी यहाँ बस, मैं जब भी गाँव जाती हूँ चाय और चटनी और रोटी ही लेके जाती हूँ। सब्जी कुछ भी नहीं लेके गई थी, भिंडी बनाई थी लेकिन मैं नहीं लेके गई थी। भिंडी घर पे ही बच्चों ने आके खाई थी, क्योंकि वहाँ पे चाय, और हिमांशी बिल्कुल भी चटनी नहीं खाती है, और वहाँ हिमांशी भी चटनी खा लेती है। तो वहाँ पे बस फिर हम खाना खा रहे थे, और पीछे भैया भी खा रहे थे, मतलब काम कर रहे थे भैया मिस्त्री, वो भैया भी खा रहे थे। बस अभी तो मैंने दी थी सबको रोटी, और अब मैं भी खा लूँगी। अभी खा नहीं रही थी, अभी सबको डाल डाल के दी थी, आप सबको दिखा रही हूँ। ये देखिए रोटियाँ सुबह सुबह बना के ले जाओ, बहुत अच्छा लगता है। और प्याज फोड़ ली थी मैंने हाथ से, और प्याज के साथ सच में ही कितना टेस्ट आता है। सभी को ही इस तरह से ही अच्छी लगती है, क्योंकि कमेंट करती हैं बहनें, तो पता चलता है कि मुझे ही नहीं सबको अच्छी लगती हैं रोटियां खेत में। और चटनी और छाए और प्याज के साथ बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे बस, यहाँ मैं अपने लिए ले रही हूँ रोटी अब, और पाचन क्रिया भी अच्छी होती है यहाँ पे। जैसे घूमते फिरते हैं ना, पच भी बड़ी जल्दी जाती है ये रोटी। पानी का भी फ़र्क होता है, मैंने यहाँ नॉर्मली पानी पिया था यहीं पे जो है। और मैं हिमांशी से कह रही थी, हिमांशी वीडियो मत बन। यहाँ पे मुझे शर्म आ रही थी था, क्योंकि पहले भी बना ली थी ऐसे तो। और शिवा था पीछे, दीसू, और दीसू पापा भी थे, और बस ऐसे ही देख के। हिमांशी जियो भी था हमारे साथ में, और दक्ष भी आया हुआ था, सभी बच्चे थे। अच्छा लगा था सबसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। बस खाना वाना खा के और फिर यहाँ पे आ गई थी पिंकी। अभी थोड़ी देर में आप देखोगे, ये पेप्सी मंगाई थी भैया पीछे खाना खा रहे थे मिस्त्री भैया, तो उनके लिए उन्हें दे दी थी पेप्सी, और जो बची थी वो दीसू और दीसू पापा ने पी ली। और उसके बाद हम तो बस खाना खा के तब दोबारा से मंगाई थी, क्योंकि सामने यहाँ पास में दुकान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, फ्लैट से ज़्यादा है। कुछ भी ले लो, सब्जी या मतलब हर चीज़ का, कोई ना कोई बेचने के लिए भी आते रहते हैं। दुकान भी बिल्कुल पास में ही है, खेत के मतलब पास में ही उन्होंने क्या बोलते हैं उसे, दुकान बनाई हुई है। मतलब लकड़ी का कुछ बनाते हैं, क्या बोलते हैं, खोखा बता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बनाया हुआ है। तो उसमें सभी कुछ मिलता है, वहाँ से कुछ भी ले लो, ठंडा नमकीन बिस्किट और भी जो भी आपको चाहिए। तो हमारे लिए तो अभी यही था, क्योंकि रोटी वोटी तो हम बना के ले गए थे। और पानी भी मैंने हमने नहीं लिया, पानी भी मिलता है, पानी भी हमें वो ही अच्छा लग रहा था, बोर का ही पानी पिया था। और हमने ये पिंकी आ गई थी जब बिल्कुल हम चलने को थे, मैंने ऑटो वाले भैया को भी फ़ोन कर दिया था, क्योंकि दीसू तो स्कूटी पे चला गया था। मैंने कहा हम स्कूटी पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। मैं कह रही थी पिंकी से, पिंकी रोटी खा ले। रोटी बच के भी आ गई थी, क्योंकि दीसू पापा ने तो खाई नहीं थी। बस फिर मैंने फिर दीसू कोल्ड ड्रिंक ले आया, और यहाँ पे हम सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और फिर चल बस 10-1 मिनट ही रुके थे। पिंकी यहाँ तो आती रहेगी, क्योंकि देवताओं पे आती है, ससुराल रहती तो ये भी सहादरा ही है, लेकिन ससुराल हम दोनों का एक ही है। मैं भी पहले वहीं पे रहती थी, तो अब बेटी कह रही थी कि आप कहाँ चले गए हो। मैंने कहा बेटा मैं यहीं मिलूँगी अब आपको, मिष्टी भी थी साथ में, तो अच्छा लगा। पिंकी भी आ गई, तो इसलिए मैंने ऑटो वाले भैया से कहा कि 10 मिनट रुक जाओ, अभी कोई आया है। तो भैया ने इतने वेट किया और हम यहाँ बैठ गए। उम्मीद करते हैं आप सबको आजकल ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। और घटा हो रखी थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था जब हम गए थे, थोड़ी हुमस थी, धुआं धुआं सा इस तरह से। और जियो पूछ रहा था इनसे कि आप कहाँ थे इतने दिन से। ये भूलता नहीं है किसी को भी, ये ना किसी को, जो कोई काफ़ी दिन में आता है ना तो ऐसे ही पूछता है। इसके पूछने का तरीका ऐसा ही है, बेचारा हमारी तरह के, ये तो नहीं कह सकता कि आप कब आए थे, तो वो ऐसे ही अपनी भाषा में पूछता है कि आप कहाँ थे। पिंकी डर रही थी, और जैसे कि आप सबको दिख रहा है तो ये घटा की वजह से दिख रहा है। टाइम तो काफ़ी हो रखा था, 2 बज रहे थे इस टाइम पे दिन के। और ये पिंकी हर भी काफ़ी लेट आई है, देवताओं पे जाएगी अभी तो। ये अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठी है, और इसके लिए गिलास नहीं रहा। मैंने कहा भाई तू ऐसे ही काम चला पी ले, अब यहाँ गिलास कहाँ कहाँ से लेके आए। तो
आगे तो आने वाले व्लॉग घर का ही होगा और जैसे भी होगा आप सबके साथ शेयर करूंगी। और मैं सोच रही हूँ अभी व्लॉग में कम ही बनाऊंगी, किस लिए कम बनाऊंगी वो भी रीज़न आपको बाद में बताऊंगी। तो व्लॉग इस टाइम पे कम ही बनेंगे और उम्मीद तो यही है कि आपको जो भी व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। कल का व्लॉग बहुत अच्छा गया है, अच्छा लगा मुझे भी और आप सबको भी अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मेहनत वसूल हो जाती है एडिटिंग करने की और प्रोसेस काफ़ी होते हैं व्लॉग बनाने के बाद भी। व्लॉग बनाना फिर भी आसान है लेकिन उसके बाद भी जो मेहनत होती है ना वो अलग ही होती है। आप सबको पसंद आए तो मेहनत वसूल हो जाती है, अच्छा लगता है। बस सोच रही हूँ कि एक दो दिन बाद फिर गाँव का ही व्लॉग दूँ आपको, या देखते हैं जैसे भी होगा, क्योंकि आप सबको गांव के व्लॉग पसंद आते हैं। तो कुछ टाइम बाद आप सब देखोगे कि हमें गांव में देखोगे, तो उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा। तो बस चल देते हैं और यहाँ ससुर जी थे तो मैं घूंघट कर रही थी और बस चल दिए हैं। और पिंकी भी, पिंकी जाएगी गांव, मतलब ससुराल वाले गाँव अंदर है तो ये ससुराल वाले गाँव में, और मैं जाऊँगी अपने घर। बस इतना ही था, ये सब आपके साथ शेयर किया, ये वीडियो भी हिमांशी ने बना लिया और मैंने आप सबके साथ शेयर भी कर दिया। देखो आप देख सकते हो ऑटो वाले भैया सामने खड़े हुए हैं आज कोई अब नहीं, मैं वो नहीं बताऊँगी ऑटो के बारे में कि ऑटो से ही ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस ये गाँव चले जाएंगे अब अंदर। मैं मिस्टी से कह रही थी मिस्टी चल, और मैं कह रही थी, मैंने कहा मिस्टी आई है पहली बार घर तो मिस्टी को टॉफ़ी खाने के लिए पैसे दे दो। तो बस वो सब बातें कर रहे थे यहाँ पे और शायद वॉइस आपको अच्छे से ना आए, आप देखो कैसे धुंधला धुंधला सा हो रहा है, मौसम ऐसा ही हो रहा था। मौसम आज, अब तो खैर बारिश पड़ रही है, जब बारिश तो नहीं थी उस दिन, लेकिन मौसम ऐसे ही हो रखा था। अरे पिंकी तेरा नंबर है, संडे कई दिन हो गए क्योंकि उसके बाद एक दो दिन तो वीडियो ही नहीं गया था, फिर उसके बाद ब्लॉग आए तो पहले आए वहाँ सबको भी। तो ये है कचौड़ियाँ जैसे घर आते ही मम्मी ने, मम्मी ने पकौड़ी गाँव से कचौड़ी भिजवा दी, किसको खाने कचौड़ी मेरी मम्मी ने, और ये भी बस ये खा के फिर शाम को क्योंकि बहन आई हुई है ना, अब मैं लूँगी चाय के साथ, लेट गए थे चाय के लिए आई हूँ। उसके बाद आप में से किस किस को खानी है, मम्मी का गिफ्ट किस चीज को लेना है, कचौड़ियाँ भी है ना, ये कचौड़ी और पकौड़ी आ रही है हमने खा ली। और आप सबको भी